बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वहाँ जेहब साहब अमित कर रहा, तुम सारे ठीक ठाक हो गए? तो अज जरा ना मैं आखा मैंने एवं ना जेन च गल आई, मैं आखा वेलना वा मैं जो अज तो साल डेढ़ पहला दो साल पहला किमें हाँ तो चैनल तो तकरीबन तीन साल पहला मैं शुरू किया है ना। तो जरा ना मैं वीडियो बनाई ही उदू जरा साल ना पहला व्लॉग बनाया ही, तो सही गल है व्लॉग मैं वेख्या तो मैंने मैं आप ही हास हास के मुद्दा होंगे गया। मैं आखा मैं एवं व्लॉग बनाना ते तो हासा ना आए पैसे वापस ते वो तुसी व्लॉग वेखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ जहे पेंडू और आज का व्लॉग और मेरा पहला व्लॉग आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। और अब मैं पट्ठे लेने चला हूँ, तो आप सब मेरे साथ देख दे जाइए कि मैं कैन जी पट्ठे ले आता हूँ। तो आइए चलते हैं पट्ठे लैन, और अब हम एक चरना लबेंगे और उस चरने में हम लोग पट्ठे ले आएंगे। अब मैं आपको एक चरना दिखाता हूँ जिसको जिसमें मैं पट्टे सुटूंगा और ले आऊँगा। देखिए ये चरना है और ये बोरी है। असल में जब पट्टे भारे होते हैं तो खोती पर रखते हैं तो खोती का लक छिल करता है, इसलिए मैंने एक बोरी ले ली है कि उसका लक ना छिलिया जाए। ठीक है, अब हम लोग खोती लाइन चले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैं भूल ही गया, ये दात्री हमें चाहिए जिससे हम पट्ठे वडेंगे। चलाए अब हम खोती लाने चलते हैं। ओ मेरे दोस्तों, और अब मैं आ चुका हूँ अपनी खोती के कोल। आपको मैं अपनी खोती दिखाता हूँ जिसमें मैं पट्ठे ले आऊँगा, और आप भी सब देखें मैं इसे कैसे खोलता हूँ। यह है मेरी खोती, यहाँ पर यह बजी हुई है। मैं इसकी गंढ खोलूँगा और इसे अपने साथ ले जाऊँगा जहाँ पर मैंने पट्ठे लेने जाने हैं। तो ये मेरी बहुत ही अच्छी सवारी होगी। ओके, इसे मैं खोल लेता हूँ, फिर मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ, क्योंकि एक हाथ से तो ये खुलेगी नहीं। ओ दोस्तों, खोती मैंने अपनी खोल ली है और अब मैं इसमें सवार होकर पट्ठे लेने जाऊँगा। इसे मैं अब अपने चरने के पास लेकर जाता हूँ। और ये अब मैंने अपनी खोती चरणों के पास ले आती है। अब मैं इसके ऊपर रखता हूँ अपनी बोरी चरना। ये बोरी है, ये चढ़ना है। ओ दोस्तों, मैं अपनी खोती के उत्ते बैठ चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और मैं पट्ठे लाने चला हूँ। मैंने आप लोग के साथ खोती के ऊपर बैठने की वीडियो इसलिए नहीं शेयर की क्योंकि ये बहुत लताएं मारती है और इसने मुझे एक मारी भी। ये बहुत ही शैतान खोती है। और अब मैं आप लोग के साथ अपना आप लोग शेयर करूंगा और आप लोग को मैं बताऊंगा कि हमारे गांव में कितने खूबसूरत मंजर हैं और हमारे गाँव में किस तरह लोग पट्ठे बढ़ते हैं और लेने जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मेरी खोती कितनी तेज़ तो रही है, देखें। वाह वाह, इस खोती की शक्ल भी देख लें। और आप यहाँ पर देखें पीछे मंजर मेरे, यहाँ पर कितना खूबसूरत मंजर है। और वाह क्या बात है मेरी खोती की दौड़ की। असल में जब हम लोग पट्ठे लेने जाते हैं तो ज़्यादातर लोग पट्ठे बढ़ लेते हैं तो वो फिर कहते हैं मुझे भी पट्ठे चुका दो, मुझे भी पट्ठे चुका दो, इसलिए मुझे पट्ठे चुकाने पड़ते हैं। इसलिए मैं बहुत देर में जाता हूँ क्योंकि सब लोग ले आते हैं और मैं अकेला ही वहाँ पर काट लेता हूँ पट्ठे। जब मैं पट्ठे काट लेता हूँ तो मेरे पापा पीछे जाते हैं, वो मेरे साथ पट्ठे उठाते हैं और हम लोग घर को आ जाते हैं। हमारी जो है ज़मीन वो गांव से बहुत दूर है, और मैं अपने ज़मीन में जाते हुए आपके साथ सारी जो है लोकेशन सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और तुसी मैनू दसना है जी कि मेरी वीडियो तुहानू कंज लगी है, अज मैं तुहानू अपना पिंड वहाना वेखी जाओ। है जी दरबार है साढ़े पिंड का, इत बड़ी बड़ी दूरों लोग आते ने। तुहानू पिछे लभदी होनी है कि मूंजी पक गई है, वह जी पिछे तुर गई है। असल के वह मूंजी का जरा मालक है, उन्होंने हीरो कहते पट्ठे छट्टे तो लाँदा कोई नहीं, वह पानी छानी तो लाँदा कोई नहीं, अल्लाह वाली हो पी है। चलो ठीक है, अगे मेरे थोड़े सारे दोस्त आए ने,
हूँ अस्तानी करनी है तो मैं जरा मोबाइल बोझी च पा ला वहाँ अभी अगर जाकर तुम्हारे ना वीडियो शेयर करा ठीक है। वो आप लोग देख सकते हैं मेरे दोस्त वो पीछे तोड़ जा चुके हैं और मैं बहुत ही आगे आ गया हूँ। अब मैं आपके साथ अपनी फिर वीडियो शेयर करूँगा क्योंकि अब वो मुझे सताएंगे नहीं क्योंकि मैं उनको बहुत दूर छोड़ आया हूँ। और अब आप लोग देखें हमारे गांव की कब्रस्ताने। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह या अहलल कबूल। जब भी इनके पास से गुजरें इनसे सलाम दुआ ला के चलें। और आप लोग को मैं अब यहाँ पर अपना एक नलका दिखाता हूँ अपने पिंड का। ये देखें ये नलका है साढ़े पिंड का। और आप लोग पीछे देख सकते हैं मेरे कि यहाँ पर भी मुंजी पकी हुई है। इसका जो मालिक है इसने हमारे साथ बहुत ही ज्यादती की। इसने सानू कहा सी कि पट्ठे आके वढ़ लो। हम लोग जब पट्ठे वढ़ने आए तो कहता है कि ये कच्ची है। हमारा सारा टाइम भान दिया इसने। तो आप लोग देखे चंगी भली मुंजी पकी है वाला इसको फांडी लगाओ हम लोग अपना पट्ठे वढ़ के खड़े। चलो कोई नहीं साढ़े अपने ये बथेरे हैं। और आप लोग देख सकते हैं हमारे गांव का कितना खूबसूरत मंजर है। आप लोगों ने साढ़े गांव का मंजर देखा और मैनू पता है कि तुहानू बहुत पसंद आया होएगा। मैनू पता तुसी आ भी सोचन डे होवोगे कि मेरा चीर सही काली नहीं वख्या हैगा। असल में बात यह है कि मैं सुबह सुबह पट्ठे वढ़ने जाता हूँ ना तो मेरे पापा दे गाली पे गाली 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 इतनी गालियाँ निकालते हैं कि मुझे चीर वाने का टाइम भी नहीं मिलता। अब आप मेरी खोती देखें इसकी रफ्तार देखेंगे ये भागती कैसे है। वाह वाह तकरीबन 120 की स्पीड पर जा रही है जिसमें से 110 निकाल लें। और यहाँ पर देखें ये अभी कच्ची मुंजी है। मुझे मालूम है कि आप लोगों को मज़ा ध्यान ही दिया होएगा। अगर नहीं मज़ा आता होए तो मैनू वीडियो च कमेंट करके दस्यो भी मज़ा आया कि नहीं फिर मैं अगू होर मज़ेदार वीडियो बना लिया करांगा। पीछे मंजर वेंदे जायो कि मेरा मुँह ही ना काला जा वेंदे जायो क्योंकि मेरे मुँह तू सोना का पीछे बहुत मंजर है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना तेज से पानी आ रहा है तकरीबन ये नलके से भी माठा है। यहाँ पर देखें वाह वाह। असल में ना मेरी खोती जो है वो मारी बहुत है तो ये जो है इसकी हड्डियाँ खूब दी हैं मुझे नीचे से तो ये जो चढ़ना है ये आगे को आ गया। इसको मैं सीधा करूँगा और इसके ऊपर दोबारा बैठ जाऊँ। लता ना मारे ओ डिग पिया मैं। एक मिनट जी मैं वीडियो ऐसली खिलारन लगा क्योंकि इन्हें मैंने सुट देना बाद में फिर तुम्हारे ना शेयर। ओ मैं दोबारा हाजिर हो चुका हूँ। वो देखें पीछे का क्या मंजर है वाव। आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखियो क्योंकि मैं वहां पर जाकर पट्ठे भी बढ़ूंगा और मैंने वहां पर जाकर बहुत मजे करने हैं अपने डेरे पर जाकर। मेरा डेरा बहुत ही दूर है इसलिए मेरी खोती भी जो है वो बहुत मट्ठी मट्ठी जान रही है। इसको पता है कि मैंने पट्ठे ले आने हैं और मैं रास्ते में थक जाऊंगी लेकिन फिर भी ये बहुत स्पीड में जा रही है। असल में इसके पता है कि वहां पर जाकर मुंजी खानी है क्योंकि मैं इसे खुला छोड़ देता हूँ वो वहाँ पर जाकर मजे करती है मेरी तरह। और अब लोग आप लोग देखते जाएं ये जो पीछे आप लोग को चरी दिख रही है इस चरी का मालक सरगी वाले पट्ठे लेने आ जाता है तकरीबन नेरे नेरे। वो आकर पट्ठे ले जाता है तो हम लोग आते हैं जब धूप झाड़ जाती है फिर हम लोग को मुर्गा आता है गर्मी बहुत लगती है तो फिर हम लोग जो है फिर भी ले ही जाते हैं ना अगर कोई भी नहीं वहाँ पर मिलता चिकाने के लिए क्योंकि मैं जहे पेंडू हूँ और पेंडू अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते। ये देखे कितने खूबसूरत दरख्त हैं वाह।
और आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो तो देखी ही होंगी, वो जो मेरी पिछलियाँ वीडियो हैं उसमें मैंने बहुत ही अच्छी नौटंकी की थी। लेकिन आप लोग जरा ना तो पहला व्लॉग ही मैं खा डब लम्मा व्लॉग किने वेखना है तो मैं जरा ना दो हिस्से बना दिते ते उदा जरा दूसरा दूसरा जरा ना की कही है व्लॉग उदा मैं लिंक थले देख रहा डिस्क्रिप्शन च दूसरा वेख लियो जो मज़ा आएगा इस तरह से फिर दूसरा वेख लियो वो जो पट्ठे लैन गया हो जो बहुत मज़ा आए तो उम्मीद करना अज आप लोग चंगा लगा तो लाइक करो शेयर करो अपने दोस्तों नाल मेरे जरिए चैनल सब्सक्राइब कर लो फिर मिलेंगे अगली वीडियो अल्लाह हाफिज़।